मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। जी हां, मंत्री परिषद की बैठक में 20 मिनट में ही बात खत्म हो गई। खबर है कि मंत्री परिषद की बैठक के दौरान वो तनाव साफ साफ दिखी है। वैसे आज की कैबिनेट की मीटिंग में कुल 3 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव पर मुहर लगी है, आम बजट 2024-25 के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है और वित्तीय वर्ष 2023-24 थर्ड सप्लीमेंट्री बजट को भी मंजूरी मिल गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट आकार लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। रोजगार, नौकरी और शिक्षा को प्राथमिकता रखी गई है। इन क्षेत्रों पर कुल बजट का भारी भरकम राशि खर्च किया जाएगा। बिहार विधान मंडल के बजट सत्र की कार्यवाही 5 फरवरी से शुरू होनी है, जो 29 फरवरी तक चलेगी। इधर बिहार के सत्ताधारी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। राजद और जदयू के रास्ते में आई खटास का असर कैबिनेट पर भी देखने को मिल गया है। जी हाँ, कैबिनेट की तस्वीर रूखापन भरा रहा। मात्र 15 मिनट में ही कैबिनेट की बैठक खत्म कर दी गई। मंत्री और अफसर नाश्ता भी खत्म नहीं कर सके और बैठक समाप्त हो गई। कैबिनेट खत्म होते ही मंत्री भारी मन से बाहर निकले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लिफ्ट से गए तो वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सचिवालय की सीढ़ी से नीचे उतरे। उसके बाद तेजस्वी यादव लिफ्ट के बगल में सीएम नीतीश कुमार का इंतजार करते दिखे और उनके साथ मंत्री अशोक चौधरी भी थे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने दोनों को हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और बिना बोले आगे बढ़ गए। रोजगार, नौकरी, शिक्षा को प्राथमिकता आज की कैबिनेट की बैठक में दी गई है। इन क्षेत्रों पर कुल बजट का भारी भरकम राशि खर्च किया जाएगा। वहीं बिहार विधान मंडल के बजट सत्र की कार्यवाही 5 फरवरी से शुरू होनी है, जो 29 फरवरी तक चलेगी। इधर बिहार के सत्ताधारी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। राजद और जदयू के रास्ते में आई खटास का असर आज के कैबिनेट की बैठक में देखने को मिला है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री परिषद द्वारा आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। यह कैबिनेट की बैठक सचिवालय में चली है। आज की कैबिनेट की बैठक में कुल 3 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है और शिक्षा, रोजगार को भी कई ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। हर बार जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो लोगों की नजर कैबिनेट की बैठक पे होती है कि आज की बैठक में क्या एजेंडों पर मुहर लगेगी और क्या तोहफा मिलने वाला है। तो आपको बता दें, आज 3 एजेंडों पर मुहर लगी है। शिक्षा, रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।